डिस्क्रिमिनेशन और अनइक्वालिटी ख़त्म करने के वास्ते हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि हम करेंगे तब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक। कितने स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर, इंटर्न्स, हाउस सर्जन्स, ये सब यहाँ पर मौजूद है और देखेंगे इंशाल्लाह। कितने डॉक्टर्स का नुकसान हो सकता है इस हुकूमत के फैसले से? कितने डॉक्टर्स का सिस्टम आयुष में से ए सिर्फ फ़ायदे में है, बाकी का यश जितना भी सिस्टम है पूरा पूरा नुकसान में है। 5.5 साल पढ़ने के बाद भी जब आपको आगे मुस्तकबिल नहीं रहेगा, खाली डिग्री हाथ में लेके बैठने का रहेगा, तो नुकसान ही नुकसान होगा। कितने सारे बेरोज़गार हो जाएंगे जो आ रहे पढ़ने के वास्ते, उन लोगों को आगे मुस्तकबिल नहीं बनेगा, तो हर कोई नुकसान में छे, कोई भी यहाँ पर फ़ायदे में नहीं है जो यश वाले जितने भी बैठे हैं, सिवाय आयुर्वेदा के, बाकी के पूरे नुकसान में है। कितने स्टूडेंट्स, कितने डॉक्टर्स, कितने बाकी के जितने भी जो अपने अपने मुस्तकबिल बनाने आए, सब नुकसान में है। हम सब यहाँ पर बैठे इसलिए ही, ताकि हम, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, हम नुकसान में, हमको आगे फ़ायदा होना, इसलिए हम इंसाफ मांग रहे गवर्नमेंट से। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे लीड कर रही है? नहीं, वो नहीं पता हम लोग। आप सिर्फ, आप स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली बैठ के काम? यस, हम, ये हमारा हक है, हम हमारे हक के वास्ते बराबर लड़ेंगे, हमारा जो हक है हम उसके वास्ते लड़ेंगे। हर स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट का हक है कि वो उसके वास्ते आवाज़ उठाए। सबका हक है, सब अपने हक के वास्ते बैठे और आवाज़ उठाए और इंसाफ मिले जब तक बैठेंगे। हाँ, मुलाकात हुई, बात हुई, वो पार्लियामेंट में हमारी बात रखते बोले, अभी एक्शन होने वाला है, देखते हैं आगे और क्या क्या मिलेगा। की तरफ से कोई सपोर्ट मिला आप लोगों को? हाँ, स्टाफ की तरफ से थोड़ा बहुत मिल रहा, आगे वो लोग भी हम लोग को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर पा रहे। बट कब तक ये प्रोटेस्ट आप लोग इसी तरह जारी रहेगा? जब तक इंसाफ नहीं मिलता। थैंक यू। जब तक यूनानी सिस्टम को भी वो जो गवर्नमेंट पोस्ट है उसमें इंक्लूड नहीं करते, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बिकॉज अगर हम लोगों को अगर उसमें इंक्लूड नहीं करे तो हम लोग पूरे अनएम्प्लॉयड रह जाते। यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स है, सब डिग्री लेके क्या करना, खाली बैठ जाना घरों पे। कुछ भी अगर जॉब ही नहीं रहेंगी तो क्या फ़ायदा, हम लोग इतना पढ़ के यहाँ पे आके, इतनी दूर दूर से आ रहे हैं बसों में ट्रैवल करके, सब वेस्ट हो जाता, हम लोग की मेहनत पूरी वेस्ट हो जाती। तो एटलीस्ट हम लोगों को इतना एम्प्लॉयमेंट तो मिलना, इतना सब मेहनत करने के बाद पूरा अनएम्प्लॉयड रह के फ़ायदा क्या, इतना पढ़ लेके। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग भी उसमें इंक्लूड कर सके। से यही अपील करना चाह रहे कि सिर्फ आयुर्वेद, सिर्फ आयु हमारे प्रोटेस्ट करने की पहली वजह यह है कि यूनानी को हर जगह डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा। पहले तो अभी रिसेंटली हम आपको एरिया हॉस्पिटल्स जो रहते हैं उसमें वहाँ के, वहाँ पर मौजूद यूनानी डॉक्टर्स को टर्मिनेट किया गया और जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए वो सिर्फ आयुर्वेदा और MBBS के लिए हुए। ये पहला डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन ये था कि एम्स के कॉलेजेस जो है पूरे इंडिया में आयुर्वेदा और होम्योपैथी के एस्टैब्लिश हुए, एक भी यूनानी का एस्टैब्लिश नहीं हुआ। तीसरी बात, गवर्निंग और मैनेजिंग बोर्ड होम्योपैथी का आयुर्वेदा का अलग से है लेकिन यूनानी का कोई अलग से बोर्ड नहीं है। ठीक है, इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन हम देखते जा रहे, कोई आवाज नहीं उठा रहा, बोल रहे सही तरीका अपनाओ, सही तरीका अपनाओ। इतने साल सही तरीका ही तो अपना रहे, क्या हुआ? आज हम जब प्रोटेस्ट करने के लिए आए, कमिश्नर आए ना, हम आ रहे जा रहे, कोई सही अश्योरेंस नहीं मिल रही। जब थोड़ा, जब रश बढ़ गया, हम बोले कमिश्नर को जब तक हमें बात अश्योर नहीं मिलता हम नहीं जाने देते, रिटर्न अश्योरेंस चाहिए, वो नहीं दिए। दूसरी बात, लेडीज पुलिस बहुत कम लाए, यहाँ पर मेजोरिटी गर्ल्स की है, मेल पुलिस वाला लड़कियों पर चढ़ गया, मेल पुलिस लड़कियों पे चढ़ गया, लेडीज पुलिस कम थे, उनकी गलती थी, हमारी नहीं। दूसरा, एक फीमेल डॉक्टर को मेल पुलिस लाठी चार्ज की धमकी देता, ये है डॉक्टर की डिग्निटी? हमारे लाठी चार्ज की धमकी दी जाएगी? हम कौम की खिदमत करते, प्रोटेस्ट हमारा हक है, कौम की खिदमत करने वालों को लाठी चार्ज की धमकी दी जाएगी? ऐसा है हमारा मुल्क? ये है हमारा कानून? शेम ऑन द सिस्टम।